एक तरीके का फॉर्मूला बन गया कि एक्स इक्वल्स टू इनवर्स बी। बस ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया है, आपको हर एक में प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी, बस ये करना है सिंपली। तो अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तो हम ए इनवर्स के लिए पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, 2 into 2 आगे देखते हैं। अब एडजॉइंट है, देखिए जी एडजॉइंट क्या होता है, जब 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है तो इन दोनों को पलट देते हैं, इस 2 को यहाँ लिख दूंगा, इस 2 को यहाँ लिख दूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इन हाँ। दोनों के साइन बदल देंगे, ये माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 2, और इन दोनों के साइन बदल देते हैं, तो ये प्लस 5 था माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 3 है माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। अच्छा ये एडवांटेज हो गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंटेड, 1 upon determinant of A. Sir, 1 upon determinant. हाँ, 1 upon determinant of A into adjoint A. और 1 upon determinant of A क्या है? 1 upon minus 11 और adjoint A 2 upon sorry 2 minus 5 minus 5 minus 3 2 minus 3 और 2, इसको multiply कर दो, ये हो जाएगा minus 2 upon 11, ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 11, ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 11, फिर माइनस 2 अपॉन 11, माइनस 2 अपॉन 11, ये ए इनवर्स हो गया। और मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू A inverse into B, A inverse लिखो minus 2 upon 11, 5 upon 11, B upon 11, minus 2 upon 11, अच्छा, और B क्या है, 1 comma 7, 1 और 7, 1 और 7, 1, 7, ये क्या हो जाएगा जी, this into this plus this into this, माइनस 2 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 इनटू 7 कितना हो गया, 35 अपॉन 11, फिर 3 अपॉन 11 इनटू 1 तो 3 अपॉन 11 और माइनस का 14 अपॉन 11, तो 35 माइनस 2 कितना हो गया, 33 अपॉन 11 और 3 माइनस 14 कितना हो गया, माइनस 11 अपॉन 11, तो ये हो गया 3 और माइनस 1, बताइए सबको क्लियर है। सर हमने 11 से 11 ऐसे मैट्रिक्स अंदर काट सकते हैं क्या जी, दोबारा बताओ, मैट्रिक्स के अंदर हम 11 से 11 और 11 3 से सब काट सकते हैं? हाँ ये तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 33 अपॉन 11 एक नंबर ही तो है, तो 33 अपॉन 11 3 हो जाएगा और माइनस 11 अपॉन 11 माइनस 1 हो जाएगा। सर अगर हम माइनस 11 अंदर लेते ही नहीं मैट्रिक्स में और फिर मल्टीप्लाई कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर मैं उसको पहले अंदर ना लेता और लास्ट में डिवाइड करता तो भी आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये की बात है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और एक्स क्या था, एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई y is equal to 3 and minus 1. Y is equal to minus 1.
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 28। बेटा बेटा मिटा दो इस साइड से ये वाला। हाँ जी सर। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 28 इसमें क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये दे रखा है बेटा 3x - 2y + 3z = 1st equation, सेकंड इक्वेशन 2x + y -4x - 3y + 2z = 4. इसको मैट्रिक्स मेथड में लिखिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो 3 - 2 + 3 फिर दूसरी रो 2 - 1 - 1 फिर तीसरी रो 4 - 3 + 2 ये हो गया। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x y और z उसको ऐसे लिखेंगे x y is equal to 814। अब ये जो पूरा है ये वाली मैट्रिक्स हो गई a a x और b कैपिटल x, और ये वाली मैट्रिक्स हो गई कैपिटल b। ठीक है, a x और b ये हो गई। मैं इधर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला वही है x is equal to a inverse b। मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी a inverse निकालना जानते हैं, फटाफट करिए। कैसे करेंगे इसको? ओके सर। हाँ देखिए x is equal to a inverse b, x is equal to a inverse b, तो a इनवर्स निकालना है, तो कैपिटल a पहले कैपिटल a लिखो यहां पर 3 - 2 - 3 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1 4 - 3 2 4 - 3 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे, मैं इस रो के अराउंड निकाल लेता हूं, क्या होगा 3 इसको छोड़ो और इसको छोड़ो 1 - 2 - 3 - 3 फिर अगला आ जाएगा -(-2) क्योंकि ये वाला एलिमेंट नेगेटिव का लिया जाता है -(-2) ब्रैकेट में इसको छोड़ो, इसको छोड़ो 2 - 2 = 4 और -(-1)(4) तो 4 + 4 ये हो गया। सर हर बार इतना जरूरी नहीं होता कि एक्सपेंड अलोंग R1 या C1। हाँ, ये तो डिटरमिनेंट सिंपल निकाल रहे हैं तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है सर, ठीक है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो जब प्रॉपर्टीज लगाते हैं ना तब लिखते हैं। फिर प्लस थ्री, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, सो माइनस 17 आ रहा है, माइनस फोर, ये हो गया। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 टू माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 इनटू माइनस 10 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30 माइनस 17 ये आ गया माइनस 17। ठीक है, इसके बाद जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए एक एक करके कोफैक्टर्स निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसको छोड़ो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, फर्स्ट रो को छोड़ो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, 1 2 2 और माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 हो गया 2 माइनस 3 This into this minus this into this होता है 2 minus 3 with a plus sign is equal to minus 1 here a12 यहाँ पर आ जाएगा minus sign तो first row को छोड़ो second column को छोड़ो 2 2s are 4 और minus 4 into minus 1 यानी कि minus 4 minus of minus 4 4 plus 4 ये हो गया minus 8 A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो इसको छोड़ो ये बच गया इतना तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 10। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये माइनस साइन के साथ में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 माइनस माइनस 4 और प्लस 9 माइनस 4 5 और बाहर माइनस साइन है ये हो गया माइनस 5। फिर कैलकुलेट करें A22 का मतलब क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 6 माइनस 12 फिर प्लस साइन 6 माइनस 12 होता है माइनस 6 माइनस 6 आ गया। फिर करें A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 3 इनटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 1 फिर माइनस 1 ये माइनस 1 और माइनस ये हो गया प्लस का 1। फिर निकालेंगे A31 थर्ड रो प्लस 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 3 with a positive sign plus sign है ना तो ये हो गया minus 1। फिर A32 बाहर आएगा minus का sign A32 मतलब third row minus 3 minus 6 minus 3 minus 6 minus 3 minus 6 ये हो गया minus plus 9 का 9 ये हो गया plus का 9 9। फिर A33 इसका sign हो जाएगा plus third row third column छोड़ दीजिए इसको 3 बचा 3 और प्लस 4 प्लस 4 3 प्लस 7 ये हो गया 7। तो हमारे पास ये आ गए सारे के सारे कोफैक्टर्स। सर कोफैक्टर्स के पहले सर जो प्रोसेस है एक बार वो बता दीजिए। कोफैक्टर्स का प्रोसेस ये है कि जैसे A11 है हमारे पास A11 तो A11 A12 ये होता है 11 नहीं सर कोफैक्टर्स के पहले वाला कोफैक्टर्स के पहले जो इस क्वेश्चन में किया ये तो मैंने डिटरमिनेंट निकाला बेटा ये तो मैंने अच्छा। निकाला है और x की वैल्यू आ जाती है a इनवर्स b तो अभी डिटरमिनेंट आया अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है ये आप लोगों को नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा अब देखिएगा क्लियर है ये सर ऊपर ऊपर का थोड़ा सा कटने लगा वो कोई बात नहीं x इक्वल टू a इनवर्स b लिखा लेते हैं बस। ठीक है ठीक है तो अब हमारे पास ये कोफैक्टर्स आ गए
तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब मैं वो ट्रांसपोज नहीं ले रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं a11 1 2 1 3 ऐसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a31 a32 a33 हो गया इज इक्वल टू -1 -8 -7 -1 -6 -1 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -1 -9 -7 -
A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A is equal to 1 upon minus 17. और एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस एट माइनस सिक्स नाइन माइनस टेन वन सेवन ठीक है क्लियर है दिखाई दे रहा सबको हाँ जी सर ये ए इनवर्स की वैल्यू निकली है अब मुझे कैपिटल एक्स निकालना है मैं ये मिटा रहा हूँ उधर से इधर कर रहा हूँ अच्छा आपके स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस चली गई होंगी सबके हाँ जी सर यस सर अच्छा कल और परसों का तो ऑफ होगा ना शायद हाँ सर कल और परसों कल का तो ऑफ है कल का तो ऑफ है परसों का नहीं है परसों का नहीं पता सर नहीं परसों नहीं कह रहा संडे और मंडे का ऑफ है ना इस बार परसों का कह रहा मंडे को कह रहा हूँ मंडे का चीज का ऑफ है मंडे को महावीर जयंती के ज्यादातर सभी जगह ऑफ है सर अभी तक तो कोई सर हमारे स्कूल में ऑफ है आनंद राम झपड़िया में भी ऑफ है पता है एक बच्चा आता है मतलब ऑनलाइन ये बच्चा पढ़ता है 9th क्लास में चलो देखते हैं सर दिन में अगर आपको रखने अगर 3-4 बजे के करीब रख लीजिएगा गाड़ी मैं बता दूंगा x is equal to a inverse b तो पहले देखिएगा a inverse b क्या हो गया -1/17 -1, -5, -1, -8, -6, -9, -10, 1, 7 ठीक है और फिर है b तो b मैट्रिक्स 814 814 -1/17 अब बिल्कुल सिंपल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो -1 × 8 -8 -5 × 1 -5 -1 × 4 -4 फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 × 8 -64 -6 × 1 -6 और 9 × 4 36 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -10 × 8 -80 1 × 1 + 1 +30 -1/17 ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 × 4 = 17 तो माइनस का 17 आ गया कंसिस्टेंसी का मतलब है क्या चीज कंसिस्टेंसी का मतलब कि जो चीज एग्जिस्ट करती है कंसिस्टेंटली मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली किसी चीज का एग्जिस्ट करना मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना तो दैट वैल्यू शुड बी यूनिक वो होता है कंसिस्टेंसी ओके सर ठीक है
माइनस 64 माइनस 6 ये हो गया माइनस 70 और माइनस 70 प्लस 36 माइनस का 34 28 29 माइनस 80 और 29 माइनस का 51 हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा माइनस 17 डिवाइडेड बाय माइनस 17 वन दूसरा हो जाएगा माइनस 34 माइनस 34 डिवाइडेड बाय माइनस 17 माइनस 51 डिवाइडेड बाय माइनस 17 वन टू वन टू थ्री तो ये वैल्यूज हो जाएंगी यस सर वन टू और थ्री इसका मतलब एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू जेड की वैल्यू थ्री एक्स वाई और जेड की वैल्यू होगी वन टू और थ्री सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा यही इक्वेशन सॉल्व अच्छा अब जो देखिएगा सुनिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी क्लियर हो जाएगा ठीक है इसी के जैसा है और अपने आप क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ पर हमको क्या था कि तीन इक्वेशन दे रखी थी अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि पहले तीन इक्वेशन बनानी है फिर ए इनवर्स निकालना है फिर b और दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 29 वो क्या सबके सामने है एक्सीलेटरी भी है ना यस सर तो एक बार देखिए शाश्वत एनसीईआरटी है अभी हाँ सर है ना वो मैं एग्जांपल नंबर 29 करा रहा हूँ और जो पिछला छूटा है तुम्हारा या और जो दो तीन बच्चे हैं जो आज नहीं है ज्वाइन कर रहे हैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ठीक है सर चलिए जी एग्जांपल नंबर 29 देखते हैं सर हाँ जी सर नॉन सिंगुलर क्या होता है क्या जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है जीरो अच्छा ठीक है जीरो मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये नॉन सिंगुलर है अगर इस वाले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए फिर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स कौन सा ये वाला नहीं सुनो हाँ मैं बता रहा हूँ पहले मैं इक्वेशंस बनाता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या चाहिए है ना दो मिनट रुकिए मैं इधर से ये वाला पोर्शन मिटा दूँ ये वाला इधर राइट वाला यस सर मिटा दूँ यस सर सर जी सर मेरे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है तो आप इसको लिंक वीडियो शेयर कर दीजिएगा मैं उस पे पढ़ लूंगा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं हेडेक हो रहा है थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं लिंक भेज दूंगा मैं लिंक भेज दूंगा ओके सर चलिए ओके एग्जांपल नंबर 29 देखिएगा एग्जांपल नंबर 29 का जो पहली लाइन है उसमें लिखा है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 उसके बाद दिया इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11 फिर दे रखा है नेक्स्ट लाइन में बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इसका मतलब मेरे पास टोटल तीन नंबर्स हैं उन तीन नंबर्स को मैं x y और z मान लूंगा तो सबसे पहले आप नोट करेंगे यहां पर लेट द रिक्वायर्ड three numbers b x y and z x y and z मैंने तीन नंबर्स को x y और z मान लिए अब जो इसमें कंडीशन है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 ये हो गया x y plus z is equal to 6 plus y plus z is equal to 6 इक्वेशन नंबर 1 उसके बाद अगला दिया है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 मतलब ये थर्ड नंबर है z इसको इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दें इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट और इसमें y को ऐड कर दें वी गेट 11 यानी कि ये हो गया 11 y + 3z = 11 इक्वेशन नंबर 2
जैसे ये x plus y plus z है इसको मैं लिखूंगा 1x, 1y, 1z. जैसे ये y plus 3z है इसको मैं 1y लिखूंगा, x यहाँ पर है नहीं तो मैं लिखूंगा 0x. x के बारे में कुछ नहीं रखा है, समझ रहे हैं? Yes, sir. अगला देखिएगा, अगली क्या इन्होंने दिया है स्टेटमेंट है, by adding first and third numbers, we get double of the second number. अगर मैं फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को ऐड कर दूंगा तो वी गेट सेकंड ऑफ द डबल ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि ये 2z आता है, 2y आ जाता है, 2y. तो अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1x minus 2y plus 1z is equal to 0. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, बताइए ठीक है? यस सर. हाँ जी, अब ये करेंगे तो अब इसको हम उसी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. ये हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 1 1 1, दूसरी इक्वेशन 0 1 3 0 1 3, तीसरी इक्वेशन 1 -2 1 1 -2 1, और फिर x y z को कैसे लिखेंगे, ऐसे x y z. ये हो गया is equal to 6 11 0 6 11 0. बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है अशोक? यस सर. सर ये थर्ड वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, एक बार ये वाली बता दीजिए. थर्ड वाली इक्वेशन देखिए, इन्होंने बोला है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर x और z, तीन नंबर्स लिए हैं x y और z, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को अगर ऐड कर देते हैं, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो 2y x plus z, ठीक है, 2y, ठीक है. फिर मैंने क्या करा, इस माइनस 2y को इधर ले आया, तो ये हो गया 1x माइनस 2y प्लस 1z इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है. अब हमारे पास ये बन गई है इक्वेशंस. अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये वाला हो गया हमारे लिए a, ये वाला पोर्शन हो गया x, और ये वाला पोर्शन हो गया b. तो हम कहेंगे यहां पर a इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ठीक है. अच्छा जी, कैपिटल x क्या हो गया, x y z, और कैपिटल b क्या हो गया, 6 11 0. कैपिटल b हो गया 6 11 0. बताइए जी, क्लियर है? यस सर. ए x और b इसकी वैल्यू. हां जी. अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा a इनवर्स b. बताइए जी, कर लेंगे अब इसको? हाँ सर, अब yes, a का इनवर्स निकालना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी वो x के बराबर आ जाएगी, ठीक है? तो यस सर, इसमें उसी इक्वेशन में डाल के a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है ना? बस 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 बस, वही हो जाएगा. A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b, ये कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हमें इसमें क्या है, एक्सरसाइज 4.6 आप करिएगा, और कल का आपके पास दिन है, मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, वो भी ट्राई करिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मतलब कोशिश करो इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करने की. ये फिनिश करने के बाद में आप रिलेशन फंक्शन बोलेंगे तो वो करा देंगे, कॉन्टिन्यूटी. हां सर, वो करा देना. आप जो बोलेंगे वो. हां सर, स्कूल में भी वही चालू होगा, तो रिलेशन फंक्शन ही पहले करेंगे, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करा देंगे. इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं. तो अब कल संडे को मैट्रिसेस की क्लास होगी. हां, मैं कोशिश करता हूं बेटा कल या फिर परसों ले लूंगा. मैं अभी पिछले 2-3 दिन ना थोड़ा बिजी था तो मैं क्लास नहीं ले पाया. तुम्हारे लिए क्लास लेंगे आर्यन चौधरी, और आज एक नए बच्चे ने ज्वाइन करा है अनिकेत ने, उसको भी अभी कुछ इस बारे में आइडिया नहीं है, तो सभी की तुम तीनों की क्लास ले लूंगा. पिछले 2-3 दिन थोड़ा बिजी चल रहा था, मैं कर नहीं पा रहा, तो मैं संडे या मंडे. लक्ष्य कब आएगा? लक्ष्य को पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है. बीच में एक दिन फिजिक्स की क्लास में आ गया था, फिर उसके बाद आया नहीं, कुछ आइडिया नहीं है उसको, ठीक है.
सर आप मैट्रिसेस कराओगे कल परसों में? मैं हाँ शुरुआत का पोर्शन है, तो जो दो तीन बच्चे हैं नए इनको उसका आइडिया नहीं है, तो मैं ग्रुप पर डालूंगा, मैं कल या परसों एक्स्ट्रा क्लास करता हूँ, मैं ग्रुप पर डालूंगा। ठीक है सर, तो मतलब सर आप 3.4 एक्सरसाइज कराओगे? मैं बता दूंगा एक्चुअली शुरुआत से कि मैं शुरुआत से करा था, और ऐसा भी हो सकता है मैं कल या परसों में से एक दिन क्लास लूं, और ऐसा भी हो सकता है दोनों दिन क्लास लूं, एक क्लास कल लूं एक क्लास परसों। ठीक है सर, आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 4.6, आप 4.6 करके आइए, ठीक है? बिल्कुल सेफ है, कोई डाउट सो पूछिए। ओके सर, ओके बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर।